Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. उस पर हत्या का केस दर्ज हो, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर उनके परिवार वालों के समर्थक में आए हैं। उपेंद्र यादव अमर रहे, उपेंद्र यादव अमर रहे, उपेंद्र यादव के परिवार को न्याय चाहिए। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैडम, क्या नाम आपका? भानुश्री। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो पुष्पेंद्र जी है उसकी हत्या का विरोध आप कर रहे हैं, बिल्कुल हम, तो क्या हुआ उनके साथ? जैसे पुलिस कह रही कि उनकी हत्या नहीं, एक एनकाउंटर किया गया, उनके ऊपर आरोप लगाए गए। नहीं, एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या की गई है उनकी, और ये राजनीतिक हत्या है। और सरकार के द्वारा चुन चुन के जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि ये अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं उच्च वर्ग का। कौन करवाना चाहता है? मोदी सरकार करवाना चाहती है, योगी सरकार करवाना चाहती है। तो आज आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन जब से वो पुष्पेंद्र जी के साथ ये हुआ, उससे पहले यहाँ पहले भी लोग आ चुके हैं इसी का विरोध करने, आज फिर आप लोग भी आए। तो अभी क्या मांग आप लोगों की है? क्या हमारी यही मांग है कि पुष्पेंद्र जी के परिवार को न्याय मिले। जिस तरह पीछे जो तिवारी एक थे उनकी हत्या की गई थी यूपी में, तो उनकी मिसेज को जॉब मिली और 1 करोड़ रुपए भी मिला, तो वो चीज़ पुष्पेंद्र जी के मिसेज को भी जॉब दी जाए और 1 करोड़ रुपए दिए जाए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। अभी सरकार और प्रशासन से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। अब यही हमारा कहना है कि अब हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो और पुष्पेंद्र यादव के परिवार को न्याय मिले, और साथ ही साथ उनके परिवार को मुआवजा सरकार दे और सरकारी नौकरी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? अब जो सरकारी नौकरी दे जाए, और दूसरा जो 1 करोड़ दिया जाए उनकी बीबी को, ताकि उनका जीवन यहाँ पर या उनके बच्चे आराम से जी सके। जी सर। जी, मैं चाह रहा हूँ कि ये सरकार जो है, जो योगी निकम्मी सरकार है, ये निकम्मी सरकार को बर्खास्त किया जाए, और इस जो हत्या की गई है, इनकाउंटर नहीं, हत्या है, एक ईमानदार परिवार के जिसके भाई और बाप देश की सेवा किया हो, और वो लोग मौजूद, उसके भाई को भी ये फंसाना चाह रहे थे। मैं चाह रहा हूँ कि इनके वाइफ को जैसे तिवारी के उसमें किया गया था लखनऊ में, उसी तरीके से इनको 1 करोड़ रुपए, नौकरी, और साथ साथ जो दोषी इंस्पेक्टर जिसने मारा है, उस दोषी इंस्पेक्टर को 302 की हत्या के मुकदमे में उसको आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। सर, मैं फांसी की बात तो नहीं कहता कि, लेकिन उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। ये न्याय और ये यादव समाज की बात नहीं रह गई है। कल कुर्मी कांड हुआ, पटेल कांड हुआ, मौर्य कांड हुआ, और तमाम ऐसे तमाम कई, एक हरिजन को मार दिया गया। सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? यूपी सरकार ही क्यों ऐसा? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भाजपा सरकार सिर्फ यूपी में योगी बदले की भावना से कर रहा है, जबकि एक मुख्यमंत्री को ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके लिए सारी प्रजा एक जैसी है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है। आज योगी सरकार ने 4000 लोगों का इनकाउंटर कर दिया है। इनकाउंटर कैसे होता है सबको पता होता है, सारे इनकाउंटर फर्जी होते हैं, और मानवाधिकार आयोग की सारी रिपोर्टें इनको भेजी जा चुकी है, इतना किसी सरकार को नहीं भेजा गया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो दलित पिछड़ा समाज है, सबसे ज़्यादा पिछड़े समाज को, चाहे कुर्मी हो, चाहे मौर्य हो, चाहे पटेल हो, सबको अलग अलग करके, एक एक करके जो मजबूत हैं उनकी हत्याएं की जा रही है। या तो सरकार इनकाउंटर करे, या अपने लोगों से हत्या करा करके उन्हीं के परिवार को, उन्हीं के नाते रिश्तेदार को मुलजी बना रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अब तक लगभग जब से सरकार बनी है 82,000 लोगों की हत्या हो गई है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? जैसे हम लोगों की मांग ये है कि सबसे पहले, जब से जैसे भी विवेक तिवारी के हत्यारे को जेल भेजा गया, उसी तरह से इस इंस्पेक्टर के ऊपर FIR हो, और जो जो अधिकारी SP हो चाहे DIG हो, जो जो इनके बचाने के लिए लगे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा किया जाए, और इसकी जो है जांच सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों द्वारा किया जाए। जी, जी सर, क्या नाम आपका? जी, मैं जय यादव गाजियाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे पुष्पेंद्र यादव जी की जो पुलिस बता रही है एनकाउंटर किया गया और उस पर आरोप भी लगाए गए, और आप लोग यहाँ पे आए दिल्ली के जंतर मंतर पे। देखिए, अगर एक हम सीधी आदमी, आम आदमी की भाषा में बात करें, एनकाउंटर किसका किया जाता है?
जो एक बहुत ही कुख्यात अपराधी होता है। 10-20-50 तरह के केस लगे होते हैं, 2-4 जिलों में केस लगे होते हैं, 50,000 का इनामी बदमाश होता है वो। पर एक ऐसे इंसान के एनकाउंटर में मारना जिसके ऊपर कोई किसी का लड़ाई झगड़े तक का केस नहीं, किसी चौकी में किसी ने एप्लीकेशन तक नहीं दी उसके खिलाफ, और उसको आपने अचानक से एनकाउंटर में मारा और रात में 12 बजे आपने दाह संस्कार कर दिया, क्या उसका परिवार नहीं था? क्या लोगों को पता नहीं था कौन है वो? कौन नहीं था? हमारे तो हिंदू संस्कृति में रात में इस तरह का अंतिम संस्कार किया ही नहीं जाता है, मगर क्योंकि उन्हें गलती का एहसास तुरंत हो गया। ये जिस इंस्पेक्टर ने मारा है उसकी उसे पर्सनल रंजिश थी। गलती है या वहाँ की सरकार की गलती है? सर, सरकार ही है जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन है जिसकी गलती है, तो सरकार ही है। और सरकार जैसे ऊपर से ऑर्डर आएगा ऐसी नीचे जाएगा। अवैध वसूली चल रही है, उसके खिलाफ वसूली थी। बेचारा महीने में एक बार एंट्री अपनी देता, हर ट्रांसपोर्टर देता है, जो चल ही रहा है उसे 2 बार ली गई, 3री बार उस पर प्रेशर दिया जा रहा था कि तुझे एंट्री फिर से देनी है। अब कहां से देगा? धंधे आजकल मंदे हैं, मोदी सरकार है, इंडिया सैनिक सब चल रही है। उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं दे सकता आपको, उसके चक्कर में उस पर कई दिन से टॉर्चर चल रहा था उसका, और उसके बाद में जब वो देने में समर्थ हो उसको उठा के मार दिया। मारने के बाद जब आप हम जैसे 4 लोगों ने मिलकर आवाज उठाई, सरकार को जगाने की कोशिश की, आज भी जगाने के लिए हम लोग यहां पर आए हुए कि सरकार जागे, आगे ऐसा ना हो, किसी समाज के साथ ऐसा ना हो, तो उन्होंने रात में उठा के पोस्टमार्टम ना हो, उसकी बात ना पता चले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे तुरंत रात में 12 बजे कर दिया। परिवार लोगों को खबर तक नहीं दी गई उसके लिए। जी सर, क्या नाम? विकास। विकास जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो पुष्पेंद्र जी के साथ हुआ? इसमें कहने के लिए क्या है, सारा सबको मालूम है, मीडिया भी दिखा रही है, जो स्टेट लेवल के चैनल हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो सब दिखा रहे ओपन के किस तरीके से ये सब किया गया है। अब इसमें हमारे कहने की बात नहीं है, आप लोगों की बात है। अब आप किस तरीके से इसे पेश करते हैं, किस तरीके से इसको जनता के सामने एक्सपोज करते हैं, वो आपके ऊपर है। हमने तो बता दिया, सबको मालूम है कि न्याय लेके रहेंगे, 302 में कार्रवाई चाहिए। और जिस तरीके से तिवारी जी को नौकरी मिली थी उनकी वाइफ को और पैसे मिले थे, उसी तरीके से आर्थिक रूप से इनकी मदद करी जाए। अगर सर इन मांगों को नहीं सरकार सुनती, केंद्र और राज्य सरकार, तो आगे के कदम आप लोग क्या उठाएंगे? जैसे कि मैं देख रहा यहाँ पे सभी नौजवान यहाँ पे आए हुए, आगे की कार्रवाई बिल्कुल स्पष्ट है। हमें उम्मीद है कि सरकार सुन लेगी, जैसा जय भाई ने बताया, गूंगी बहरी सरकार है, जगाने आए हैं, जाग ले आए तो अच्छा है। कानून अपने हाथ में ना लिया जाए तो जनता के लिए वो ठीक रहेगा, सरकार के लिए भी ठीक रहेगा। आप लोग सहयोग करिए इसमें, आप लोग बताइए, सही सही को सही कहिए आप भी और गलत को गलत कहिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ हम यहाँ एकजुट होने आए हैं, और जैसे भी आपने पूछा, अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? हम रोड पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, और तब तक हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे जब तक पुष्पेंद्र भाई को न्याय नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ लोगों से बात की और इन्होंने बताया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लोग इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे जैसे आप देख रहे होंगे सभी नौजवान आए हुए, यहाँ पे कोई राजनीति मैटर नहीं है, ये लोग गांव से आए हुए हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए हुए। और जैसे इनका कहना है कि जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने के लिए यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आ जाए। लाइक शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.